बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तानी बहनों भाइयों, आप सबको मेरी तरफ से और मेरे तमाम साथियों की तरफ से यौम पाकिस्तान के मौके पे दिल्ली मुबारकबाद। इस दफ़ा ये दिन एक बहुत अहमियत, तारीखी अहमियत की भी इसकी हैसियत है कि इस दफ़ा हम पाकिस्तान में जो OIC फॉरेन मिनिस्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कर रहे हैं, पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। दुनिया भर से OIC मेंबर स्टेट्स के वज़राए खारजा और सीनियर ऑफिशल्स इसमें मौजूद होंगे इस कॉन्फ्रेंस के लिए। और इसके साथ साथ ये इसलिए भी तारीखी है कि इस साल पाकिस्तान हम सब अपनी 75वीं यौम आज़ादी भी मना रहे हैं, आज़ादी की सालगिरह भी मना रहे हैं 75वीं। और वहाँ पे पाकिस्तान इस्लामाबाद में बहुत बड़ी परेड भी होगी जिसमें हमारे सारे जो मेहमान हैं उसमें शिरकत करेंगे। इस दिन की, इस कॉन्फ्रेंस की ये भी अहमियत है कि पहली मर्तबा चीन के फॉरेन मिनिस्टर स्टेट काउंसलर वांग यी इसमें शिरकत करेंगे। ये पहली दफ़ा है कि चीन से किसी भी फॉरेन मिनिस्टर की ICFM में फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में शिरकत होगी। तो हम तमाम अपने मेहमान जो मुस्लिम ममालिक से आ रहे हैं उन्हें खुश आमदेद कहते हैं। और आज के दिन के हैसियत से आइए मिल के अहद करें कि हम जहाँ जहाँ हैं, जिस शोबे में काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए, उसकी बका के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी खुशहाली के लिए मिल के काम करेंगे। आपका अल्लाह ताला हामी व नासिर हो। अस्सलाम पाकिस्तान पाइंदाबाद। तमाम अहले वतन को यौम पाकिस्तान मुबारक हो। 23 मार्च 1940 का ये दिन हमें हमेशा इस अमर की याद दहानी कराता है कि पुरअज़्म, यकसू और मुत्तहिद कौमों के रास्ते में कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती। आज तामीर पाकिस्तान और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमें फिर इसी ईमान, जज्बे और लगन की ज़रूरत है। तमाम अहले वतन को यौम पाकिस्तान मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। सारी कौम को यौम पाकिस्तान मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे तमाम हमवतनों को मेरी जानिब से यौम पाकिस्तान मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम अहले वतन को मेरी तरफ से यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। 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 Oh,